तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा, आपका स्वागत है हमारे चैनल मे की टीजी #TOC पे। हम लोग बात कर रहे थे, अपने सीरीज ऑफ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग फिर से DFA डिजाइनिंग के कंसेप्ट को पकड़ लिए हैं। कुछ और बचे कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगले एक दो वीडियो में DFA डिजाइनिंग हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे दूसरी दुनिया में, NFA के ऊपर जाएंगे, NFA। उसके बाद फिर बहुत कुछ आगे देखेंगे, मिली मशीन, मुरे मशीन, रेगुलर लैंग्वेज, ग्रामर वगैरह हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं DFA डिजाइनिंग के इतने क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो हम लोग की अंडरस्टैंडिंग है DFA डिजाइनिंग के ऊपर, अगर वो बहुत अच्छी हो गई ना तो आगे की जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सब टॉपिक्स अगर हम लोग को एकदम अच्छे समझ में आ गया तो आगे के हम लोग को टॉपिक समझ में आएंगे कि आखिर हम लोग उसको क्यों पढ़ रहे हैं। यही सारी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग आगे के टॉपिक्स में जंप करेंगे, ठीक है। हर चीज वहां पर कनेक्टेड रहेगी। तो ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट, यहाँ पे हम लोग हर चीज को बहुत सोचना पड़ता है। लैंग्वेज बनाओ, स्टार्टिंग में ऐसा है तो क्या करेंगे, डेड स्ट्रेट तो नहीं आ रहा है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे NFA के केस में, वहां पे कंप्लीट नहीं करना पड़ता सिस्टम, तो सब चीजें क्या हो जाएंगी, एकदम सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, ठीक है, एकदम आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अभी जो हम लोग का मेन आइडिया है वो यही है कि DFA डिजाइनिंग हम लोग को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, हम लोग की कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए DFA डिजाइनिंग के क्वेश्चन पे, ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाए हो, ठीक है, यही हम लोग की कोशिश रहनी चाहिए। तो फिर आराम से हम लोग TOC सब्जेक्ट है उसमें हम लोग को मजा आने लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कंसीडर अ मिनिमम DFA, यहां पे ऐसे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है ओवर A कॉमा B इन व्हिच एवरी A इज फॉलोड बाय अ B। ऐसा DFA बनाना है, मिनिमल DFA बनाना है जहां पे हर एक A फॉलोड होगा किससे, B के साथ। तो सबसे पहला काम लैंग्वेज लिखेंगे, तो लैंग्वेज लिखेंगे तो सबसे पहला चीज एप्सिलॉन आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हम लोग को, ठीक है भाई एप्सिलॉन आ गया। और क्या आ सकता है, अगर वहां पे A आया तो फिर जरूर उसको फॉलो करना पड़ेगा B के साथ, ठीक है, फॉलो करने के लिए B रहेगा वहां पे, ठीक है। और क्या हो सकता है, और अगर यहाँ पे फिर से A आया तो फिर से B आएगा, ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है। तो और अगर B से मेरा लैंग्वेज स्टार्ट हुआ तो क्या कोई दिक्कत है क्या, B से स्टार्ट करने है कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे इसके A आएगा कोई दिक्कत नहीं, कितने भी A आए ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, ठीक है। और B के बाद कितने भी है ऐसा भी कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बस हम लोग को एम एक ही है। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, अगर यहाँ पे A आया तो जरूर इसके बाद B आना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ पे A नहीं आ सकता, A के बाद सीधा B आना चाहिए, ये चीज हम लोग को ध्यान रखते हैं। एवरी A इज फॉलोड बाय B, एवरी A इज फॉलोड बाय B, ये चीज का हम लोग को ध्यान रखते हैं। तो ये कुछ हम लोग लैंग्वेज यहाँ पे बना दिए। अब इसका अगर DFA बनाना चाहे तो बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं भाई। क्या है, पहला स्टेट हम लोग का फाइनल है, क्यों फाइनल है, क्योंकि एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट कराना है, मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग जो वो एक्सेप्ट कराएंगे वो क्या है, AB है, इसका मतलब A से हम लोग दूसरे स्टेट में गए, A सिंबल रीड करके दूसरे स्टेट में गए, फिर B सिंबल रीड करके हम लोग तीसरे स्टेट में गए, ये हो गया Q2, ठीक है, ये हम लोग काम कर दिए। अब ये कंप्लीट है क्या DFA, नहीं है कंप्लीट, तो कंप्लीट करते हैं। अगर मैं Q0 पे खड़ा हूं तो क्या मैं कुछ रीड किया हूं, नहीं रीड किया हूं, तो अगर B से वो स्टार्ट होगा, एक रे तो ट्रांजिशन लिखे हैं, B से अगर वो स्टार्ट होगा तो कोई दिक्कत है क्या उसको, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ लूपिंग कर देंगे भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं Q1 पे खड़ा हूं इसका मतलब A रीड हो चुका है और B आया तो मैं उसको फाइनल स्टेट Q2 पे भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि AB को हम लोग को एक्सेप्ट कराना है और B आया तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर से A आ गया, A के बाद फिर से A आया, क्या ये एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका मतलब यहां से A नहीं आ सकता, हम लोग श्योर हैं कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम लोग इसको एक ऐसे स्टेट में बोल देंगे, भेज देंगे जो क्या होगा, डेड स्टेट होगा। तो A के आने से ये चला जाएगा सीधे डेड स्टेट में, और ये इसके लिए भी हम लोग ट्रांजिशन लिख दिया। अब Q2 के लिए आते हैं, तो बी के बाद, ए बी के बाद कितने भी बी है उसको कोई दिक्कत है क्या, कितने भी बी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक भी ए आ गया तो हम लोग को क्या चाहिए, फिर से एक बी चाहिए, तो एक भी अगर ए आ जाता है तो हम लोग उसको एक पीछे वाले स्टेट में भेज देते हैं, एक ए आया फिर वो बी लेगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये जो हम लोग बना लिए, हम लोग क्या बना लिए, मिनिमल DFA बना लिए इस सेट ऑफ क्वेश्चन के लिए। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसी में, कि अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता A इज फॉलोड बाय अ B, A इज नेवर फॉलोड बाय अ B, अगर मैं यहाँ पे बोलता A इज नेवर फॉलोड बाय अ B, अगर ऐसा मैं बोलता तो क्वेश्चन में क्या चेंज आता। तो पिछले वीडियो हम लोग देखे कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ DFA, आपके दिमाग में जरूर आएगा A इज नेवर फॉलोड बाय B है, तो अगर मैं इसका DFA बना दिया तो नेवर फॉलोड बाय B का क्या होना चाहिए, सिंपल ये मैं नॉन फाइनल को फाइनल और फाइनल को नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर देता हूं। तो हम लोग को एक चीज ध्यान बहुत रखनी है कि सबसे पहले आप लैंग्वेज जरूर लिख के चेक कर लेना कि वो दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इस लैंग्वेज को लिखा हूं L1 और मैं यहाँ पे DFA को अभी के लिए मिटा देता हूं, ठीक है,
ये मिटा दिया। और अगर मैं इस वाले के लिए अगर मैं लिखता हूं L2 never followed by a B, तो आप खुद ही बताइए कि एप्सिलॉन वहां पे एक्सेप्ट हो सकता है नेवर फॉलोड बाय अ बी के लिए, ठीक है बिल्कुल एक्सेप्ट हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आते हैं A is never followed by a B. A is never followed by a B. तो अगर सिंगल A है तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि B से फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। डबल A है तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, B नहीं आना चाहिए बाद में, ठीक है। लेकिन अगर B से स्टार्ट हुआ, A is never followed by a B. A is never followed by a B. तो B आ सकता है, B कितने भी बार आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। A is never followed by a B. तो इसका मतलब B A आ सकता है, A अभी भी फॉलो नहीं है, ठीक है। B B A आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे स्ट्रिंग क्या हो गए, हम लोग एक्सेप्ट होंगे। तो आप खुद ही देख के बताइए क्या ये दोनों लैंग्वेज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है क्या? बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्यों कॉम्प्लीमेंट नहीं है? यहां अगर एप्सिलॉन है तो यहां नहीं होना चाहिए था, यहां तो है भाई, नहीं कॉम्प्लीमेंट। ए बी है यहाँ पे, ठीक है। ए बी अगर यहाँ पे है तो ए बी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ए बी है मिल गया मेरे को, बी ए है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी है यहाँ पे, ए बी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बाकी सब चीज देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रिंग हम लोग को देख जाएंगे। लेकिन पहला ही स्ट्रिंग में हम लोग क्या हो गया, इधर भी एप्सिलॉन है, इधर भी एप्सिलॉन है, देख के पता चल जाएगा कि ये दोनों लैंग्वेज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएफए नहीं लगा सकता, और नहीं लगा सकता इसका मतलब मेरे को इसके लिए अलग से डीएफए बनाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसके लिए डीएफए बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, एप्सिलॉन एक्सेप्ट कराना है, फर्स्ट स्टेट को कर दिए फाइनल स्टेट, मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराएंगे तो ए है मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग, तो इसको एक्सेप्ट करा दिए हम लोग, क्यू वन फाइनल स्टेट बना दिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे बी आता है, क्यू जीरो पे अगर खड़े हैं तो बी अगर आएगा, कितने भी आएंगे कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है, तो ये लूपिंग कर दिए। और यहाँ पे अगर हम लोग खड़े हैं तो अगर यहाँ पर से ए आया, ए रीड कर चुके हैं, अगर यहाँ पर से क्या आया, कितने भी ए आए तो कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से बी आया, यहाँ से बी आया, तो हम लोग को उसको एक्सेप्ट नहीं करना, और एक्सेप्ट नहीं करना है इसका मतलब हम लोग उसको भेज देते हैं दूसरे स्टेट में, जिसको हम लोग बोलेंगे फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट बोलते हैं, डेड स्टेट बोलेंगे, और उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कराएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर से बी आया तो कभी एक्सेप्ट नहीं होगा, और वहां पे लूप करता रह जाएगा, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं होने वाला। ये हम लोग बना दिए इस केस के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए बना दिए, मिनिमल डीएफए बना दिए, यहाँ पे तीन स्टेट लगे हैं। तो कुछ हम लोग को आइडियोलॉजी जो है वो ध्यान रखना है, L1 और L2 जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे कि नहीं होंगे, आप जरूर लैंग्वेज लिख के एक बार चेक कर लेना कि वो है कि नहीं, उसके बाद ही आप कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएफए अप्लाई करना वहां पे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रख दे, आगे की वीडियोज में और कुछ एक दो वीडियोज में हम लोग कोशिश करते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो है डीएफए डिजाइनिंग के ऊपर, जो हम लोग ऑलमोस्ट सारे पैटर्न कवर कर लिए, एक दो पैटर्न जो बचे हैं वो मैं कवर कर देते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आगे एनएफए के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, और हमारे जो कोर्स के साथ बने रहिए, और साथ ही साथ मैं अनअकैडमी में भी मेरा सी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स है गेट सीएसआईटी के लिए, तो अगर आपको सी प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत ही अच्छा कमांड चाहिए तो आप जरूर वहां पर जाके रिवाइज कर सकते हैं, आपको अगर आता है तो, और नहीं आता है तो आप बिल्कुल बेसिक से उसको एक एक वीडियो देखिए, बहुत आपका सी प्रोग्रामिंग क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा कोर्स बना हूं मैं वहां पे, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, एक एक नोट्स वहां पे बना के मैं वहां पे किया हूं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उधर से, तो आप जरूर उधर जाके देख सकते हैं। लिंक में डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी का, और साथ ही साथ इस वीडियो का भी, और बाकी सारे जो हम लोग के टीओसी के वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू।